Hello my dear students, once again welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you one word. Student, आज की जो हम क्लास लेने वाले हैं वो उसमें हम बात करेंगे आपकी वन वर्ड के बारे में. जो वन वर्ड है उसके द्वारा हम अपनी जो वोकैबुलरी स्टूडेंट उसको हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो आज वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना आप ना भूलें. आज की क्लास का जो फर्स्ट वन वर्ड है वो आपका वन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक एंड फेलियर. इसमें बात करें स्टूडेंट की, कोई भी व्यक्ति है जो आपका क्या है, कभी उसने कोई भी मिस्टेक नहीं की है, कभी उसने कोई गलती नहीं की है, वो कहीं भी आपका फेल नहीं हुआ है. तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है इनफेलिबल मीन्स होता है स्टूडेंट अभ्रांत, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी लाइफ में कभी भी कोई गलती नहीं की हो, तो उसको हम बोलते हैं आपका इनफेलिबल. ठीक, नेक्स्ट आपका वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिटिंग ड्रिंक्स, यानी कोई ऐसा व्यक्ति स्टूडेंट जो कभी भी आपका ड्रिंक वगैरह नहीं करता हो, कोई भी अल्कोहल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन नहीं करता हो, तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका टीटो टेलर, यानी जो मादक पदार्थ होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उनको वो क्या है, त्याग कर देता है उनका. नेक्स्ट आपका दैट कांट बी इरेज, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट जिसको मिटाया जा सके तो उसे डिलीटेबल बोलते हैं. तो इसमें जो डिलीटेबल है और उसको इसमें बोला इसने कांट बी इरेज, यानी जिसको आप मिटा नहीं सकते उसको बोलते हैं हम आपका इनडिलीटेबल, यानी जिसको आप मिटा नहीं सकते. नेक्स्ट आपका फिट टू ड्रिंक, यानी कोई भी जो आपका जो पेय पदार्थ है जिसको हम पी सकते हैं उसको बोलते हैं आपका पोर्टेबल. एबल मीन्स होता है स्टूडेंट योग्य, या हम किसी व्यक्ति की बात करें या किसी भी आपकी वस्तु की बात करें, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फिट टू ड्रिंक, जिसको पिया जा सके उसको बोलते हैं आपका पोर्टेबल. नेक्स्ट आपके ए मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, कोई भी एक ऐसी दवा स्टूडेंट जिससे मान लीजिए किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, तो वो क्या करता है, नींद आने की वो दवा ऐसी दवा यूज़ करता है जिनको खाने के बाद उसको क्या है, उस इंसान को नींद आ जाती है, उसको बोला जाता है आपका नारकोटिक, यानी नींदकारी या नशाकारी जो दवाइयाँ होती हैं उनको बोला जाता है. नेक्स्ट है टू कट ऑफ ए पार्ट ऑफ पर्सन्स बॉडी विच इज़ इन्फेक्टेड, या हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति है जिसका कोई भी बॉडी का पार्ट है स्टूडेंट उसको क्या है, इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए किसी का पैर सूज गया या किसी के हाथ की उंगली सूज गई, तो उसको अगर हम काट देते तो उसको बोला जाता है आपका एम्प्यूटेटेड, यानी हाथ या पैर का उसको काट देना. नेक्स्ट आपका एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है अगर वो मर गया है, उसके मरने के बाद अगर हमें पता करना होगा ये व्यक्ति किस वजह से मरा है, उसने कोई भी क्या बोलें कि अगर किसी ने कोई जहरीली दवा खाई है, किसी ने फांसी वगैरह लगाई है, कोई भी किस तरीके से मरा है, तो उसका जो परीक्षण होता है मरने का उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका पोस्ट मार्टम. नेक्स्ट आपका एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर ऑफ द फ्यूरल ऑफ द वन डेडिकेट्स, फ्यूरल मीन्स होता है स्टूडेंट अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद क्या है, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं तो उसको हम आपका फ्यूरल बोलते हैं. लेकिन इसमें बोला है कि न्यूज़पेपर जो अखबार होता है उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर कि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें एक पेज होता है जिसमें शोक संवेदना के नाम से इसमें एडिंग डली होती है, तो उसमें क्या है, मृत्यु समाचार डला होता है, उसको बोलते हैं आपका हम ऑबिट्यूरी. नेक्स्ट ए होम फॉर ऑर्फन्स, ऑर्फन मीन्स होता है स्टूडेंट अनाथ, यानी कि कोई भी बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं होते हैं तो उसको हम ऑर्फन बोलते हैं, और ऐसे जो बच्चे हैं उनको रखा जाता है जिस जगह पर उसको बोला जाता है आपका ऑर्फन हेज, यानी अनाथालय बोलते हैं जिसको हम. नेक्स्ट ए होम फॉर लॉनिस्टिक, यानी कि पागल जो व्यक्ति होते हैं जिनकी दिमाग की जो स्थिति होती है, इनका संतुलन है उनका वो स्थिर नहीं होता है, तो उनको एक तरीके से हम पागल बोल सकते हैं, तो उनको जिस जगह पर रखा जाता है उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका लॉनिस्टिक आलम, यानी पागल खाना. नेक्स्ट ए होम फॉर ओल्ड पर्सन, उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका इनफर्मरी. यहाँ जो ओल्ड पर्सन यूज़ किया गया है इस मीन्स होता है, और जब कोई व्यक्ति ओल्ड हो जाता है तो स्टूडेंट वो क्या है, वो कमज़ोर हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको जिस जगह पर रखा जाता है उसको आपका इनफर्मरी बोला जाता है. नेक्स्ट है कैचिंग डेथ, यानी कि कोई व्यक्ति है कोई भी जो प्रॉपर वे होता है मरने का उस प्रॉपर वे से नहीं मरता, यानी कि एक हम बात कर रहे हैं फेटल जिसको हम घातक बोलते हैं, बेमौत मरना जिसको बोलते हैं, कुत्ते की मौत जो मरता है तो उसको बोला जाता है फेटल कॉजिंग डेथ. नेक्स्ट आपका दैट विच कांट बी सीन थ्रू, यानी कि कोई भी आपका हम बात करें पर्दा है या कोई कपड़ा है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, तो उसको स्टूडेंट हम आपका ट्रांसपेरेंस बोलते हैं, यानी इसको हम पारदर्शी बोलते हैं आपका. नेक्स्ट है प्लेस फॉर ग्रेन्स,
तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट ग्रेन्स। मीन्स क्या होता है, अनाज होता है जहाँ पर उसको रखा जाता है उसको बोला जाता है हम ग्रैनी यानी धान्यागार। जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता में देखा था वहाँ स्नानागार था और आपका वहाँ पर एक धान्यागार भी रखा जाता था जहाँ पर अनाज को रखा जाता था। तो यहाँ पर ए प्लेस फॉर ग्रेन्स यानी जिस जगह पर हम अनाज वगैरह को रखते हैं उसको हम धान्यागार या उसको हम ग्रेनरी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका ए प्लेस फॉर एमुलेशन एंड वेपन। इस मीन्स होता है स्टूडेंट कि आपने देखा होगा कि जो हमारी आर्मी होती है तो उनके जो आर्मी है तो उसके जो हथियार वगैरह होते हैं तो उनको जिस जगह पर रखा जाता है वेपन वगैरह जो होते हैं उनको स्टूडेंट हम आपका आर्सनल बोला जाता है यानी हिंदी में उसको हम आपका शास्त्रागार बोलते हैं इसको। ए प्लेस फॉर और लगेज एंड रेलवे स्टेशन। जब हम रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा तो वहाँ पर एक क्लॉक रूम बना होता है जिसमें स्टूडेंट जो वेस्ट हम वेस्ट बोले या जो यूजफुल जो आपका लगेज वगैरह होता है जिस जगह पर उसको रखा जाता है उसको हम क्लॉक रूम बोलते हैं यानी उसको हम आपका जमा कक्ष बोला जाता है। नेक्स्ट ए प्लेस फॉर बीज। बीज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, मधुमक्खी होती है जिस जगह पर हम मधुमक्खी पालते हैं या जिसको हम रखते हैं जिस जगह पर उसको हम स्टूडेंट उसको हैब बोलते हैं यानी मधुमक्खी का उसको हम छत्ता बोलते हैं। नेक्स्ट ए प्लेस फॉर हॉर्सेज, क्योंकि यहाँ जिस जगह पर हम घोड़े रखते हैं तो ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं उसको स्टूडेंट हम आपका अस्तबल बोलते हैं। नेक्स्ट ए प्लेस फॉर डॉग्स, जिस जगह पर हम कुत्ते को रखते हैं उसको स्टूडेंट हम आपका केनल बोलते हैं यानी उसको हम स्वान गृह बोलते हैं आपका। नेक्स्ट है प्लेस फॉर क्लॉथ, जिस जगह पर हम आपके कपड़े वगैरह रखते हैं तो उसको हम वार्डरोब बोलते हैं जिसको हम बोले हैं आपकी जो अलमारी वगैरह होती है जिससे अपन हम वस्त्रालय बोलते हैं उसको, तो उसमें क्या अपने कपड़े वगैरह उनको हम रखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है प्लेस वेयर मनी मेड, जहाँ हम मनी जहाँ पर स्टूडेंट आपकी सिक्के वगैरह या पैसा जो आपकी जो करेंसी होती है जिस जगह पर छापी जाती है तो उसको स्टूडेंट हम मिंट बोलते हैं उसको हम आपका टकसाल बोलते हैं उसको। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट आप ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर केप्ट। एक ऐसा एक रूम होता है स्टूडेंट जहाँ हम कहें एक गवर्नमेंट का एक अपार्टमेंट होता है जिस जगह पर गवर्नमेंट के जो क्या है जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रखा जाता है तो स्टूडेंट उनको हम आपका आर्चिव्स बोलते हैं। ये तो आपने मेल वगैरह यूज़ करते हो जीमेल वगैरह उसमें भी ये ऑप्शन आता है आपका आर्चिव, जो आपके इंपोर्टेंट जो मेल वगैरह होते हैं तो उनको हम आपका आर्चिव बोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो रिकॉर्ड होते हैं उनको भी हम आपका आर्चिव बोलते हैं यानी लेखा रक्षा वगैरह जिस पर आपके रिकॉर्ड रखे जाते हैं गवर्नमेंट के। नेक्स्ट आपका ए प्लेस वेयर द सिक पीपल स्टे फॉर रिकवर हेल्थ। एक ऐसी जगह जहाँ पर स्टूडेंट जो बीमार व्यक्ति होते हैं इनको रखा जाता है रिकवर हेल्थ यानी उनको सही करने के लिए रखा जाता है तो उसको हम आपका स्वास्थ्यालय बोलते हैं और इंग्लिश में आपका सेंटोरियम बोलते हैं आपको। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका ऑक्सीम यानी स्वयं सिद्ध या हम स्वयं सिद्ध स्वत सिद्ध बोलते हैं यानी किसी ने अगर कोई बात कही और उसको विदाउट प्रूफ के किसी ने मान लिया कि हाँ भाई तू जो बोल रहा है वो सही है तो उसको हम आपका ऑक्सिम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज वन ए लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसलेटेड एज एट ए मीटिंग, यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं स्टूडेंट उनका क्या होता है उनकी जगने से लेकर सोने तक का एक एजेंडा होता है जिसको हम एजेंडा बोलते हैं यानी कार्यसूची होती है कि किस टाइम हमें किस क्लाइंट से मिलना है क्या काम करना है कितने बजे कौन सी मीटिंग रखनी है। तो जो उसका रिकॉर्ड होता है जो आपके जो बिजनेसमैन होते हैं उनको हम जो एक मीटिंग का हम या कहें पूरे काम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम एजेंडा बोलते हैं या हिंदी में उसको हम आपका कार्यसूची बोला जाता है। नेक्स्ट आपका एन एग्जिस्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका फेक इज सिमली। तो सिमली का अगर हम अलग रखें तो सिमली मीन्स क्या होता है कोई भी वस्तु है या व्यक्ति उसके जैसी दूसरी कोई व्यक्ति या वस्तु हो तो उसको हम सिमली बोलते हैं यानी एक जैसा, या हम यहाँ बोलें फेक एफ ए सी, तो फेक मीन्स भी क्या होता है एक दूसरे की नकल करना तो उसी से बना आपका ये फेक सिमली यानी नकल करना। नेक्स्ट आपका लिटरेसी थीप और फोर्सिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल बुक एज एयर ऑन्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किताब लिख रहा है स्टूडेंट और चुपके से मान लीजिए किसी ने उसके जो ग्रंथ है या वो जो बुक लिख रहा है उसको अगर वो कोई भी व्यक्ति उसको चोरी कर ले जाता है ठीक है तो उसको हम आपका फ्लेगरिज्म बोलते हैं यानी उसको हम हिंदी में आपका ग्रंथ चोरी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ए पोएम ऑफ आपका लेमिनेशन यानी एक शोक गीत होता है स्टूडेंट, जब कोई व्यक्ति वगैरह मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो कोई एक एक आपकी 12th क्लास में एक एलेजी नाम की एक आपकी पोएम भी है आपकी पोइट्री में तो वहाँ भी इसका मीनिंग समझ ही गए होंगे। एलेजी मीन्स क्या होता है शोक गीत बोला जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ इन्फेंट, तो इन्फेंट जो होता है वो यूज़ किया जाता है स्टूडेंट जो छोटा बच्चा होता है शिशु होता है और साइड मीन्स क्या होता है हत्या करना तो इन्फेंटिसाइड मीन्स
शिशु हत्या, ठीक है, यानी शिशु जो हत्या करता है उसको शिशु हत्यारा बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ए प्लेस वी आर डेड बॉडी आर कीप फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यानी कि जब व्यक्ति मर जाता है तो बहुत सारे व्यक्ति उनकी डेड बॉडी जो होती है उसको स्टूडेंट हम आपका जो पहचान करने के लिए रखा जाता है पोस्टमार्टम के बाद, उसको हम आपका मॉर्चरी बोलते हैं। और जो मॉर्चरी बोलता है स्टूडेंट जिसमें आपकी डेड बॉडी रख के आती है, ठीक है, उसको मॉर्चरी बोलते हैं। और मॉर्क्यू मीन्स होता है सब पहचान ग्रह, जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है पहचान करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति अननाउन पर्सन है वो, अगर वो मरता है एक्सीडेंट वगैरह में तो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अलाउंस फेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, अगर मान लीजिए कोई भी पति पत्नी एक दूसरे से अलग होते हैं कानूनी तौर पर, ठीक है, तो जो हस्बैंड है अपनी वाइफ को क्या है उसकी जो जीवन और जो जीने की जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं या उसकी जो लाइफ, जब तक वो दूसरे के सेटल नहीं होती, दूसरे के साथ नहीं करती है, तो जब तक तो उसको जो पैसा वगैरह दिया जाता है, जो उसको भरण पोषण की जो भत्ता दिया जाता है, उसको स्टूडेंट आपका हम एलोमोनी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका वन हेट्स मैरिज, कोई भी व्यक्ति है जो क्या है शादी से आपकी नफरत करता है स्टूडेंट, तो उसको मिसो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, मिसो मीन्स होता है नफरत करना या हेट से, और गैमिस्ट मीन्स यानी शादी के लिए हो गया, ठीक है, तो मिसैगेमिस्ट यानी विवाद जो द्वेषी होता है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है फिट टू इटेबल ईटेन, यानी उसको हम इटेबल बोलते हैं, ईट से बना आपका इडिलिया और एबल से यानी बछड़ी, यानी जिसको खाया जा सके उसको इटेबल बोला जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका ए रेमडी फॉर ऑल डिजीज, ये इसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका फनाका, यानी सर्व रोग औषधि, यानी कोई ऐसी दवा जो हम बात करें सभी बीमारियों के लिए क्या आपका रामबाण का काम करती है, तो उसको हम आपका फनाका बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ए पर्सन या स्टूडेंट की बात करें हु एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर क्लास और ड्यूटी विदाउट परमिशन, हम बात करें स्टूडेंट कोई भी ऐसा एक व्यक्ति है या हम कहें कोई भी एक छात्र है जो अपनी क्लास से क्या है एब्सेंट हो जाता है बिना किसी की टीचर वगैरह की परमिशन ली, उसके जो मन में है वो कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रंट बोलते हैं स्टूडेंट, उसको हम कार्य विमुखी बोलते हैं, जो अपने कार्य से हट रहा है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट उसके पढ़ाई का काम है लेकिन वो क्या है बिना किसी इजाज़त लिए भाग गया वो क्लास से, तो ऐसे जो व्यक्ति या स्टूडेंट होता है उसको लिए हम आपका ट्रेंड वर्ड यूज करते हैं, यानी कार विमुखी बोला जाता है उसको। नेक्स्ट आपका वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, कोई भी व्यक्ति है जो पॉली वर्ड जो यूज़ किया जाता है स्टूडेंट वो यूज़ किया जाता है आपका फॉर मैनी के लिए, और ग्लॉट मीन्स होता है जो बोलता है, तो पॉली ग्लॉट मीन्स होता है बहुभाषी, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नॉलेज है बहुत सारी लैंग्वेज की, मतलब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है, तो उसके लिए हम आपका पॉली ग्लॉट यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन हु कलेक्ट स्टाम्प, कोई भी व्यक्ति है जो स्टाम्प्स को आपको क्या है कलेक्ट करता है, उसको शौक होता है टिकट वगैरह को, तो उसको बोला जाता है आपका फ्लैंटेलिस्ट। तो फ्लैंट जो वर्ड यूज़ किया था ये यूज़ किया था फॉर लवर, या ये आपका मैंने एक रूट वर्ड की जो क्लास कराई थी उसमें भी बताया था, तो फिल वर्ड जो यूज़ करते हैं फॉर यू लव के लिए यूज़ करते हैं फ्लैंटेलिस्ट, यानी जो डाक टिकट संग्रह करता होता है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट आपका वन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको क्या स्टूडेंट जो विदेशी भाषा है उनको लैंग्वेज का क्या ज्ञान है बहुत अच्छा था, तो उसको हम लैंग्विस्ट बोलते हैं, यानी भाषा प्रवीण जिसको भाषाओं का ज्ञान होता है, लैंग्वेज से माना आपका लैंग, ठीक है। वन हु ऑफर वन सर्विस, यानी कोई भी व्यक्ति है जो अपनी अपनी जो सर्विस है उसे त्याग देता है उसको हम वॉलेंटियर बोलते हैं, ठीक है, यानी स्वैच्छिक वो त्याग पत्र दे देता है तो उसको वॉलेंटियर बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ए वंस वाइफ, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा क्या है प्रेम करता है, तो उसको हम आपका यूरक्सियस बोलते हैं, यानी पत्नी प्रेमी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ए नेशन दैट इज इन वॉर मूड, कोई भी व्यक्ति है वो क्या है इसमें वो हमेशा लड़ाई के मूड में रहता है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो चाइना या पाकिस्तान है जो अदर कंट्री है, तो उनका मूड रहता है 24 घंटे के आवेल और मुझे मार, ठीक है, ऐसे जो देश होते हैं उनके लिए हम आपका बेलिगरेंट यूज़ करते हैं, यानी उसको हम लड़ाका बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ए थिंग कीप्ड इन मेमोरी ऑफ इवेंट, कोई भी हम बात करें कोई भी इवेंट होता है हिस्ट्री में, जैसे कि आप मान लीजिए आप कहीं घूमने गए तो आपने पिक्स वगैरह खींची मेमोरीज को डायरी वगैरह में राइट कर लिया, तो कोई भी आप मेमोरी के तौर पे कोई इवेंट किया है आपने, ठीक है, तो उसको स्मारक वस्तु बोलते हैं, तो आप उसको रख लेते हो, तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका सोन बैरियर, ठीक। नेक्स्ट है द लास्ट वर्क लिटरेसी ऑफ ए राइटर, कोई भी जो व्यक्ति मतलब जो राइटर होते हैं लेखक वगैरह होते हैं जो अपना जो लास्ट राइटिंग करते हैं उसको बोला जाता है ऐसा आपके स्टूडेंट आपको हम स्वयं स्वयं बोलते हैं, यानी अंतिम लेख। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, तो आज की क्लास को रखते हैं स्टूडेंट यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.